सारे जगत में कोई ना कोई गुण है, जड़ जे तन गुण दोष में विश्व कीन करतार। अरे एक बार परीक्षित आखेट के लिए गए, जरासंध का मुकुट खजाने में धरा था, उसे सर पे धरकर। और जब कभी आप आश्रमों में जाओ तो VIP ट्रीटमेंट की आशा नहीं करनी चाहिए। जैसी सेवा बने वैसी सेवा करो, जहां जगह मिले वहां सो जाओ। प्यास लगी और महात्मा समाधि में थे तो इनको लगा दम कर रहे हैं, बेकार ऐसे ही बैठे हैं आंखें मूंद के। और मरा हुआ सर्प शमीक मुनि के गले में डाल दिया, और वहां तो समाधि में थे उनको पता ही नहीं चला। श्रृंगी को पता चला कि मेरे पिता का अपमान हुआ, तो वो दौड़ा गया बालक नदी में जल लेके, कहा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला है, आज से 7 दिन बाद परीक्षित को तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। शापित कर दिया परीक्षित को। और जब लौट के आया श्रृंगी जोर जोर से रोने लगा, परीक्षित के पुकारने पर जिस महात्मा की समाधि नहीं खुली थी, पुत्र का रुदन सुन के उनकी आँख खुल गई। सारा समाचार मिला तो कहा हाय हाय तुमने क्या किया पुत्र, आज इस संसार में परीक्षित से ज्यादा श्रेष्ठ कोई राजा धरती को नहीं मिलेगा, ये तुमने क्या कर दिया। उनके चित्त में हाहाकार मचा। और यहां इति लंघित मरे आदम तक्षका सप्तमेहनि। और ये शापित हमारे परीक्षित जी महाराज ने जनमेजे को गद्दी पे बैठाया और स्वयं गंगा के किनारे आकर बैठ गए। सारे साधु महात्मा उमड़ घुमड़ कर वहाँ पहुँचने लगे। अमेठी वालों, साधु तीर्थों में नहीं जाते, लेकिन जहाँ साधु बैठ जाते हैं वही स्थल तीर्थ स्थल हो जाया करता है। आज गंगा का किनारा वो जो आज शुकताल कहलाता है, बहुत सारे महात्मा वहाँ आकर विराजे। और जैसे ही परीक्षित ने प्रश्न किया संतों से, मरिए मानस्य किम कर्तव्यम्, ये प्रश्न है। इतने में देखा संतों ने अचानक वृक्षों वल्लरियों में से प्रकट होकर भगवान सुखदेव आ गए और आकर व्यास पीठ पर बैठ गए। हजारों हजारों वर्ष की आयु के महात्मा 16 वर्षीय सुखदेव के लिए उठकर खड़े हो गए। अहो 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 परीक्षित, तुम भाग्यशाली हो परीक्षित, भगवान सुखदेव नहीं, आज तुम्हारी सभा में साक्षात मुक्ति चल कर आ गई है। और भगवान सुखदेव की जय जयकार होने लगी। बोलिए सुखदेव भगवान। परीक्षित ने अर्घ पाद्य दिया, चरण धोए चरणारविंद। भगवान सुखदेव निजानंद से परिपूत हैं, परमानंद में विराजमान हैं, जिनके चित्त में हमेशा आनंद का निर्जर झरना बहता है, जिनके हृदय कमल श्री प्रिया प्रियतम से सुसज्जित रहते हैं, ऐसे भगवान सुखदेव को पाके आज हम सब धन्य हुए हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। ऐसी सुंदर मुख कांति के धनी सुखदेव, जिनके पीछे स्त्रियां दौड़ी दौड़ी आई, बालकों ने नंगा बाबा कहके जिनका अपमान किया, लेकिन मान अपमान से परे अपने ही निजानंद में विराजमान जब भगवान सुखदेव ऋषि मुनियों की सभा में आए और राजा ने उठकर जिनका स्वागत किया, ऐसे दृश्य को देख के वे सब बालक डर के मारे भाग गए। महाराज परीक्षित ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया, आसन दिया। मध्य सभा में भगवान सुखदेव विराजे। मरिए मानस्य किम कर्तव्यम, ये प्रश्न है जिसको सुनकर भगवान सुखदेव आनंद विभोर हो गए। बरियाने शते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। अगर परीक्षित ये पूछते देवियों कि मुझे मौत आएगी मैं कैसे बचूं, तब ये इनका व्यक्तिगत प्रश्न होता, लेकिन उन्होंने कहा कि म्रिये मानस्य किम कर्तव्य, मृत्यु जिसके सर पर असंभावी खड़ी हो तब उस जीव को क्या करना चाहिए। इसलिए भगवान सुखदेव ने कहा, अहो 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 परीक्षित, ये तेरा प्रश्न लोक का कल्याण करेगा। लोक हितो नृपः आत्मवित सम्मतः पुंसा। बड़ा सुंदर प्रश्न है, हम सबका भी तो प्रश्न है ना।
सात दिन में ही तो मौत आएगी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सात ही तो दिन है ना। वहां सात दिन बाद आएगी, यहां तो पता ही नहीं है कि कब आएगी। पानी केरी बुलबुलास मानस की जात, धीरे धीरे शरीर वृद्धावस्था की ओर जा रहे। अच्छा, मैंने एक और बात देखी देवियों, महात्मा लोग अपनी उम्र ज्यादा बताते हैं और स्त्रियां अपनी उम्र कम बताती हैं। रेलगाड़ी में बैठी सब बातें कर रही थी, 70 साल वाली कहती है मैं तो 85 साल की हूं, अब 50 साल वाली कहती है अभी तो मुझे 30वां शुरू हुआ है। ऊपर एक सरदार जी लेटे थे, वो ऊपर से इनकी गोद में आके गिरे, बोली ये क्या कर रहे हो? बोला जिस हिसाब से तुम अपनी उम्र बता रही हो ना, उस हिसाब से तो मैं अभी अभी पैदा हुआ हूं, ऊपर से नीचे आया हूं। कदाचित जिंदगी की सच्चाइयों को भुलाया तो जा नहीं सकता है? जो फुल सवेरे खिड़दे ने वो शामा नू मुरझा जांदे, ए दावे वादे सब बंदे आदो पल विच होंद मिटा जांदे। अज मिट्टी पैरां थल्ले है, कल मिट्टी हेठां तू होना, जद पता है सबने तुर जाना, फिर कादे लई रोना तो ना। उड़ीक दियां कबरां बंदिया, ये मिटेगी, ये जवानी के लश्कारे परमानेंट नहीं है। अरे रुको रुको रुको, क्या हुआ? एक बूढ़ी माँ कहती है रोको रोको अपना साइकिल रोको, उसने साइकिल रोक दिया, अपना संदूक खोलो, उसने संदूक खोल दिया। मेले के अंदर दुकानदार था एक, मेला उठ गया, सांझ हो गई, बूढ़ी माँ पीछे पड़ गई, मुझे शीशा खरीदना है, मुझे शीशा खरीदना है। दुकानदार ने 100 रुपए का शीशा निकाल के दिया, बूढ़ी माँ ने मुंह देखा, कहती है 100 रुपए तो बहुत महंगा। उसने 50 रुपए का निकाला, फिर मुंह देखा, कहती है 50 रुपए तो बहुत महंगा है। उसने 20 रुपए का शीशा दिया, फिर मुंह देखा, कहती है 20 रुपए का बहुत महंगा है। वो कहते 20 रुपए का महंगा? वो बोली आज से 40 साल पहले आई थी मैं इस मेले में, तब तो मैंने 2 रुपए का शीशा खरीदा था, और उस 2 रुपए के शीशे में जब मैंने अपना मुंह देखा मैं स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। अब तुम 100, 100, 50, 50 रुपए के दिखा रहे हो और मेरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ बुरा, इतना महंगा और इतना बुरा मेरा चेहरा दिखा रहे हैं शीशा। उसने शीशा छीन लिया, बोले अब 200 का भी मांगोगी तो नहीं दूंगा, क्योंकि तेरा चेहरा झुर्रियों से भरा है या अप्सरा जैसा है, ये तेरे चेहरे की सच्चाई है, इसमें शीशे का कोई दोष नहीं। शीशा तो जो सच है वही दिखाएगा, 40 साल पहले होगी तुम अप्सरा, अब अंगूर नहीं है, अब किशमिश बन गई है, चेहरे में झुर्रियां आ गई हैं। बड़ा विचित्र है, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब भी छुड़ जाए ये कोई राज कह सकता। और अगर आपको ये लगता है कि मेरा शरीर बदला है पर मैं नहीं बदला, तो फिर वो क्या चीज है जो नहीं बदलती? बस वही भागवत उस सत्य का उद्घाटन करता है, जो दिखाई देता है वो बदलता है। देवियों, मृत्यु किसको खाएगी जो दृश्यमान जगत है? काल किसको खाता है? जो दिखाई देता है, और जो दिखाई नहीं देता वो क्या है? बोलो ना, तुम्हारी जवानी चली गई, तुम्हारा बुढ़ापा परमानेंट नहीं, बचपन बीत गया, पर तुम्हें भीतर से कभी नहीं लगेगा कि मैं बदल गया। तो तुम देह नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम क्या हो? तुम सत्य चित्त आत्मा हो, अचल आत्मा हो। अपने स्वरूप में जो विराजता है वो धन्य हो जाता है। और स्वरूप का बोध कैसे मिलेगा? गुरुदेव मुझे बताइए। तो गुरुदेव ने कहा कि जितासनो जित स्वासो जित संगो जित इंद्रिया, अपने आसन को साधो, अपनी श्वासों को साधो, प्राणायाम करो, अच्छा संग अपनाओ, जितेंद्रिय बनो, इंद्रियों का संयम करो, मन पर लगाम लगाओ, तब तुम्हें साक्षात्कार होगा। किसका? आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होगा। और बहुत सारे लोग पहले एक गाना गाते थे ना, मेरा मेरा तन डोले मेरा मन डोले। अब तुम्हारा तन डोल रहा है, तुम्हारा मन डोल रहा है, लेकिन कोई एक चीज है जो कभी नहीं डोलती, वो क्या है? वो तुम्हारी आत्मा अचल है, अपार है।
इसलिए भ्रांति छोड़ो, तुम बदलने वाले नहीं हो, तुम बदलाहट को देखने वाले हो। तुम दृश्य नहीं हो, तुम दृष्टा हो। तुम अवस्था नहीं हो, तुम अवस्थी हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीरी हो। तुम देह नहीं हो, तुम देही हो। तुम जीवात्मा नहीं हो, तुम परमात्मा हो। ये सतगुर की पुकार है, ये सतगुर की वाणी है। सब्सक्राइब करें साध्वी रितंभरा जी के यूट्यूब चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।